Hello students, this is Ravindra Jangid. Welcome to our online classes. Today we will discuss article. As we all know, article is the part of determiner. Article जो है वो भी determiner का ही part है. जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि a article है, an article है, दोनों का प्रयोग ही एक adjective के रूप में किया जाता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं article. तो आर्टिकल होता क्या है कि सॉरी आर्टिकल कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल हो, जिनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो देखते हैं हम यहाँ पे. तो सबसे पहले हम जान लें कि देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल जो है वो दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट आर्टिकल दैट इज नोन एज इनडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड इज डेफिनेट आर्टिकल. व्हाट इज द मीन ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल? इनडेफिनेट आर्टिकल मीन्स होता क्या है? आर्टिकल दैट इज यूज्ड बिफोर इंडेफिनेट नाउन, यानी वो आर्टिकल जिसका प्रयोग इंडेफिनेट नाउन से पहले किया जाए. अब वही बात है कि व्हाट इज द मीन ऑफ इंडेफिनेट नाउन, यानी कौन कौन सी ऐसी संज्ञाएं हैं जिनको हम इंडेफिनेट नाउन कहेंगे. तो अगर हम सीधे शब्दों में कहें कि वो संज्ञाएं, वो नाउन्स जिनका नाम जो है वो किसी वस्तु विशेष की पहचान न बने. जैसे हम कोई भी कहें, जैसे हमने कहा दर्शन, सूर्य, तो हमें पता है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक ही वस्तु है, एक ही चीज है. सभी के दिमाग में, जैसे मैंने कहा सन, तो वो सभी के दिमाग में एक ही छवि है, एक ही इमेज है. लेकिन अगर मैं कहूं कि बॉल, बॉल मीन्स गेंद, तो अब यहां पर प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में एक अलग अलग पिक्चर जो है वो बनकर आएगी. अब अलग अलग पिक्चर कैसी होगी? कोई व्यक्ति जो है उसे सोचेगा कि ये फुटबॉल है, कोई सोचेगा कि ये बास्केटबॉल है, कोई सोचेगा कि ये क्रिकेट बॉल है. तो सभी के लिए उस बॉल के अर्थ जो है वो अलग अलग है. तो इसलिए उसको हम क्या कह सकते हैं, वो क्या है, इंडेफिनेट नाउन है. तो इंडेफिनेट नाउन से पहले जो आर्टिकल काम में लिया जाता है वो है इंडेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट नाउन से पहले जो आर्टिकल काम में लिया जाता है वो है आपका डेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल में दो आर्टिकल आते हैं, ए और एन. सबसे पहले हम ए का प्रयोग देखते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ होता है. जैसे हमने देखा कि बिफोर सिंगुलर नाउन, यानी आर्टिकल ए कैन बी यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन, यानी नाउन मस्ट बी सिंगुलर. सेकेंड थिंग विच स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ऐसी सिंगुलर संज्ञा, एक ऐसा सिंगुलर नाम जो जिसकी शुरुआत जो है वो व्यंजनों से हो. जैसे हम यहां पर बात करें बोल, फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट एग्जाम्पल अपना बोल. तो बोल की अगर हम बात करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बोल होता है. फर्स्ट लेटर इसका क्या है, ब है, और वह क्या है, एक व्यंजन है. व्यंजन है तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट देखा जाए कैट, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, क है. तो क है तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, हम ए लिखेंगे. यहां पर ध्यान रखना कि जैसे ई है, मोस्टली क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर व्यंजन से शुरू हो रहा है, यानी सॉरी अगर वोवल से शुरू हो रहा है, मोस्टली हम ये देखते हैं कि अगर वोवल से शुरू हो रहा है तो वहां पर हम एन का प्रयोग कर देते हैं. नहीं, हमें उसकी साउंड चेक करनी है, उसका प्रोनाउंसिएशन चेक करना है. तो जैसे इसको हम पढ़ेंगे तो इसको हम यूरोपियन न पढ़ करके इसको हम पढ़ेंगे यूरोपियन. क्या पढ़ेंगे, यूरोपियन इसको हम पढ़ेंगे. और अगर यूरोपियन है तो किससे स्टार्ट है, ये से स्टार्ट है, और ये से स्टार्ट है तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म को भी हम क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म. तो यहां पर भी ये क्या है, फर्स्ट लेटर इसका यह है, तो यह है तो यहां पर भी हम इसके ब्लैंक में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे. तो ये था ए, यानी ए आर्टिकल कैन बी यूज्ड व्हेन वी हैव ए सिंगुलर नाउन एंड विच स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड. अगर कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट की ध्वनि से अगर शुरू होता है तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए का प्रयोग कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है एन, तो एन कैन बी यूज बिफोर ए सिंगुलर नाउन. यहां पर भी संज्ञा कैसी होनी चाहिए, आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ऊपर कॉन्सोनेंट साउंड था, यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड की बजाय यहां पर साउंड कैसा होगा, अपना वोवल साउंड होगा.
अगर वोवल साउंड से शुरू हो रहा है तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने लिया एप्पल, तो एप्पल का अगर प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो ए पल, फर्स्ट लेटर जो इसका क्या है ए है, ए है तो इसको हम लिखेंगे यहां पर एन। नेक्स्ट देखें क्या है आइलैंड, क्या लिखेंगे इसको आइलैंड, तो फर्स्ट लेटर इसका क्या हुआ आ, आ है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे एन लिखेंगे। नेक्स्ट है जैसे इंजीनियर, तो इंजीनियर में शुरुआती लेटर क्या है ई है, और ई है तो यहां पर भी क्या लिखा जाएगा आपका एन लिखा जाएगा। तो ये थे आपके इंडेफिनिट आर्टिकल, और इंडेफिनिट आर्टिकल के बाद में हम डिस्कस करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। तो डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है, यानी डेफिनेट आर्टिकल दैट इज यूज्ड बिफोर डेफिनेट नाउन। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डेफिनेट संज्ञाएं यानी डेफिनेट नाउन्स वो नाउन्स होती हैं जिनका नाम लेते ही एक छवि, एक पिक्चर, एक तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाती है, एग्जैक्ट तस्वीर बन जाती है। जैसे मैंने कहा मून, मैंने कहा ताजमहल, मैंने कहा हवा महल, मैंने कहा जंतर मंतर, मैंने कहा कुतुब मीनार, तो ये सब क्या है, ये एग्जैक्ट छवि यानी एग्जैक्ट छवि इनकी हमारे दिमाग में बनेगी और वही वो वस्तु होती है। तो ऐसी वस्तुएं क्या है डेफिनेट नाउन है, और इनसे पहले जो आर्टिकल काम में लिया जाता है वो होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल के रूप में हम पढ़ते हैं यूज द का। इसके प्रोनाउंसिएशन जो है यानी टी एच ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है द, इसका प्रोनाउंसिएशन हम दी, और इसका प्रोनाउंसिएशन हम दी यानी बड़ी दी भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इसका प्रयोग किस वर्ड से पहले हुआ है, भाई कॉन्सोनेंट से पहले आया है या फिर वोवल से पहले आया है या फिर सुपरलेटिव डिग्री से पहले आया है, वो अलग अलग बातें हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर इसके हम रूल्स देखते हैं कि हाउ कैन वी यूज द आर्टिकल, हम इस द आर्टिकल का प्रयोग जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला रूल है कि द आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर सम यूनिक थिंग्स, यानी कुछ यूनिक थिंग्स जो होती हैं, अद्वितीय वस्तुएं जो होती है अपने आप में यूनिक हैं, उन वस्तुओं से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसा हम यहां पर देख रहे हैं द अर्थ, तो अर्थ अपने आप में सभी को पता है, अर्थ अपने आप में एक यूनिक है, द मून है, द सी, द इक्वेटर, इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, या फिर हम कहें द स्टार्स, तारे, तो ये सब अपने आप में क्या है अद्वितीय है, यूनिक है, और यूनिक वस्तु के नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट देखिए हम, तो यहां पर मैंने सभी रूल्स को यानी जो कुछ रूल्स थे उनको मैंने एक साथ लिखा है। तो जैसे फर्स्ट सेकंड रूल है बिफोर द नेम ऑफ सम प्रॉपर नाउन्स, यानी यहां पर हमारे पास कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं, यानी प्रॉपर नाउन क्या होती है जो पर्टिकुलर नेम को बताती है, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, उनके उनके एक प्रॉपर नाम को जो बताती है वो होती है प्रॉपर नाउन। तो कुछ प्रॉपर नाउन से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन कौन सी है, जैसे हम कहें सीज, यानी जितने भी सागर है, समुद्र है, समुद्रों के नाम से पहले, रिवर्स, नदियों के नाम से पहले, ओशियन, महासागरों के नाम से पहले, डेजर्ट, रेगिस्तानों के नाम से पहले, आइलैंड, द्वीपों के नाम से पहले, माउंटेन, पर्वतों के नाम से पहले, सॉरी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले, न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों के नाम से पहले, डायरेक्शन, दिशाओं के नाम से पहले, गल्फ, खाड़ियों के नाम से पहले, वाटरफॉल्स, झरनों के नाम से पहले, रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, और हम कहें कैनाल या फिर नहरों के नाम से पहले। तो ये जितने भी हैं इन सभी के जो प्रॉपर नाम है यानी प्रॉपर नाउन्स जो है उनसे पहले हम किसका प्रयोग कर सकते हैं द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखिए जैसे द अरेबियन सी, तो ये किसका नाम है, एक सागर का नाम है, तो सागर का नाम है तो यहां पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं द आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा गंगा, तो द गंगा क्यों, क्योंकि ये क्या है एक नदी है। जैसे द हिमालय, तो एक माउंटेन रेंज है। जैसे हमने लिखा द इंदिरा गांधी कैनाल, तो ये क्या है एक नहर का नाम है। जैसे हमने कहा चूलिया वाटरफॉल, तो जैसे हम गए चूलिया जलप्रपात, तो ये सब क्या है
इनके नाम से पहले ये कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं, उन प्रॉपर नाउन्स के नाम से पहले हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। हियर वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ द आर्टिकल, यानी द आर्टिकल के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स जो है वो हम यहां पर देखेंगे। तो क्या क्या महत्वपूर्ण रूल्स है, सबसे पहला रूल है इसमें कि व्हेन ए नाउन इज डिफाइंड बाय क्लोज और फ्रेज, यानी जब भी कोई संज्ञा किसी क्लोज या फ्रेज के द्वारा डिफाइन की जाती है, यानी उसको जब डेफिनेट बनाया जाता है, जैसे क्लोज मीन्स होता है उपवाक्य, क्लोज मीन्स होता है उपवाक्य, और फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश, फ्रेज मीन्स क्या होता है वाक्यांश। तो यहां पर एग्जांपल देखिए, द मैन विद द फ्लैग इज माय अंकल। अब आप कहोगे कि जैसे क्लोज और फ्रेज के द्वारा इस वाक्य को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, जैसे यहां पर हम इस मैन की बात करें तो ये मैन कौन है, यानी ये आदमी कौन है। अगर मैन की बात करते हैं तो वो इंडेफिनेट नाउन है, लेकिन यहां पर इस व्यक्ति के साथ अगर इसको हमने ऐड कर दिया, इस फ्रेज को हमने ऐड कर दिया, तो द मैन विद द फ्लैग, वो व्यक्ति जो फ्लैग के साथ है, जो झंडे के साथ है, तो वहां पर उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, द आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। जैसे आई नो द बॉय, तो द बॉय इसके बाद में हु इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, ये क्या यहां पर क्लोज है, जिसको हम कह सकते हैं सबोर्डिनेट क्लोज। तो सबोर्डिनेट क्लोज के द्वारा इसको डिफाइन किया गया कि ये लड़का कौन है, ये लड़का वो है जो कि पेड़ के नीचे खड़ा है, तो यहां पर इसको डिफाइन किया गया है। तो जिसको डिफाइन किया गया है तो उससे पहले हमने द आर्टिकल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। सी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ द स्कूल, और भी हम कहें जैसे आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, कि आयरन जो है वो सबसे उपयोगी धातु है, या फिर कोई भी कहें जैसे सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर स्कूल, सीता जो है हमारे विद्यालय में सबसे बुद्धिमान लड़की है। तो जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है, उन सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर ऑर्डिनल नंबर, जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्कस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि व्हाट इज ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर दैट डिनोट्स अ रैंक, जो रैंक को बताता है, सीरीज को बताता है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट एटसेट्रा। तो जैसे हमने कहा नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है, रैंक को बता रही है, ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन एन एडजेक्टिव रिप्रेजेंट्स ए पर्सन, यानी जब भी कोई एडजेक्टिव, कोई विशेषण हो और उस विशेषण का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाए, या फिर हम कहें डिनोट्स पर्सन और पर्सन से ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे हमने कहा द रिच, तो रिच मीन्स धनी व्यक्ति, यानी ये किसके लिए आया है, एक व्यक्ति के लिए है, धनी व्यक्ति के लिए है, यानी ये जो एडजेक्टिव है इसका प्रयोग हमने किसके लिए किया है, धनी व्यक्ति के लिए किया है। तो इससे पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया, द आर्टिकल का प्रयोग कर दिया है। तो और कोई भी है जैसे द पुअर बिगेट्स चिल्ड्रेन, यानी गरीब जो हो केवल और केवल बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट और देखें जैसे बिफोर कंपेरेटिव डिग्री, यानी जैसा ऊपर था सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का प्रयोग, कंपेरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल का प्रयोग, वैसे मैं आपको बता दूं कि कंपेरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, केवल एक कंडीशन को छोड़कर, अगर किसी वाक्य में दो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, दो बार कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, जैसे कि यहां पर हम देखें द मोर यू रीड, जितना आप अधिक पढ़ोगे द मोर यू विल गेट, उतना ही अधिक आप सीखोगे, यानी जितना अधिक पढ़ोगे उतना ही अधिक आप सीखोगे। तो यहां पर मोर जो है कंपेरेटिव डिग्री है, और ये मोर भी क्या है, कंपेरेटिव डिग्री। नेक्स्ट हम देखें द हायर यू गोज, जितने ऊंचे आप जाओगे उतने ही कूलर, उतनी ही ठंड आप महसूस करोगे। तो यहां पर हायर जो है कंपेरेटिव डिग्री है, और कूलर जो है वो भी एक कंपेरेटिव डिग्री है। तो अगर यहां पर दो बार कंपेरेटिव डिग्री आई है तो दोनों से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखें हम, व्हेन ए कॉमन नाउन यूज्ड एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जब
किसी कॉमन नाउन का प्रयोग एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में किया जाए, अब्स्ट्रैक्ट जिसको हम कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कह सकते हैं? भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा। तो अगर ऐसी संज्ञा है, यानी जब ये कॉमन नाउन का प्रयोग भाववाचक संज्ञा के रूप में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में किया जाता है, तो भी उस नाउन से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा द स्टूडेंट इन मी इज स्टिल अलाइव, यानी मेरे अंदर का जो विद्यार्थी है, तो आपके अंदर का कौन सा विद्यार्थी है? कैन यू सी योर टच? क्या आप उसे देख सकते हैं? क्या आप उसे छू सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब यहां पर ये जो स्टूडेंट है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में काम में लिया गया है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में अगर काम में लिया गया है, तो यहां पर हम द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें द मदर इन हर इज दैट, कि उसके अंदर की जो माँ है वो मर चुकी है। यानी माँ का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं मातृत्व की भावना, ममता की भावना जो है वो उसके अंदर मर चुकी है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो यहां पर भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम बिफोर कॉमन नाउन एज अपोजिशन, नाउन एज अपोजिशन, यानी एक ऐसी कॉमन नाउन जिसका प्रयोग एक अपोजिशन के रूप में हुआ। अब अपोजिशन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। नाउन फ्रेज इन अपोजिशन होता है, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है कि जब किसी संज्ञा का प्रयोग किसी दूसरी संज्ञा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। जैसे जयपुर, जयपुर एक नाउन अपने पास, द पिंक द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो एक दूसरी नाउन आ गई अपने पास द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो यहां पर ये जो है, ये फ्रेज जो है, ये इसको स्पष्ट कर रही है कि द कैपिटल ऑफ राजस्थान क्या है, यानी राजस्थान की राजधानी क्या है। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो इसका मतलब इसका प्रयोग इसको बताने के लिए किया गया, इसको इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया गया। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, सॉरी, इसको हम क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज इन अपोजिशन कहेंगे। तो इसके पहले, इससे पहले हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? यहां पर हम द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। या और देखें हम, जैसे सचिन तेंदुलकर कोमा द मास्टर ब्लास्टर मेड 100 सेंचुरीज। तो हमने जैसे यहां पर लिखा कि सचिन तेंदुलकर, अब सब हम जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर को ही मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। तो दूसरी जो फ्रेज है मास्टर ब्लास्टर, उस मास्टर ब्लास्टर से पहले हमने द का प्रयोग किया है, द मास्टर ब्लास्टर। और नेक्स्ट रूल इज बिफोर पर्सन्स नेम, किसी भी व्यक्ति के नाम के स्थान पर, यानी किसी व्यक्ति के नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे हम? अगर उस नाम से पहले अगर हमें कोई एडजेक्टिव मिला है, तो जैसे हमने लिखा द माइटी राजू, माइटी राजू यानी राजू एक नाम है, उस नाम से पहले माइटी वर्ड हमने लिखा है, तो माइटी क्या है? एक एडजेक्टिव है, और उससे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा ब्रेव प्रताप, तो प्रताप क्या है? एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और उससे पहले हमने एक एडजेक्टिव काम में लिया, और उस एडजेक्टिव से पहले हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा द ग्रेट अशोका, ठीक है, सही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रूल नंबर, नेक्स्ट रूल है अपना बिफोर ए कॉमन नाउन व्हेन इट इज रिपीटेड इन द नेक्स्ट सेंटेंस, यानी जब कोई नाउन है, कॉमन नाउन है, अगर एक सेंटेंस में आ रही है और उसके बाद में दूसरे सेंटेंस में भी आ रही है, तो दूसरे सेंटेंस में जहां पर उस नाउन को लिखा जाता है, उससे पहले हमें द आर्टिकल का प्रयोग करना है। कैसे? जैसे हमने कहा आई बॉट ए बॉल, कि मैंने एक बॉल खरीदी। अब यहां पर जैसा आप देख रहे हैं, यहां पर ये जो बोल है, ये क्या है? इंडेफिनिट नाउन है, और इंडेफिनिट नाउन है तो यहां पर हमने एक इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में जहां पर बात करते हैं द बोल इज, तो दोबारा से काम मिल गई है। तो अब हमें पता है कि यहां पर ये एक डेफिनेट नाउन है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग हम पहले कर चुके हैं, हमें पता है कि ये कौन सी बोल है, ये वो बोल है जो मैंने खरीदी, तो ये डेफिनेट नाउन है, डेफिनेट नाउन से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट देखें आई साय मंकी, मैंने एक बंदर देखा, यहां पर बंदर जो है वो इनडेफिनेट नाउन है, इससे पहले हमने ए का प्रयोग किया है। नेक्स्ट द मंकी वॉज वेरी नॉटी, तो यहां पर ये बंदर कौन सा बंदर जो मैंने देखा, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका? डेफिनेट
आर्टिकल डेफिनेट नाउन है, डेफिनेट नाउन से पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल को काम में लिया। नेक्स्ट रूल नंबर, नेक्स्ट रूल है अपना रूल नंबर 13, व्हेन ए कॉमन नाउन रेफर्स होल क्लास और फैमिली, जब एक कॉमन नाउन अपने संपूर्ण जाति को, संपूर्ण समूह को, ग्रुप को बताती है, जैसे हमने कहा द एलिफेंट हैज ए लॉन्ग ट्रंक, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल एक हाथी की, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगुलर एलिफेंट लिया है, तो इस सिंगुलर एलिफेंट इसका मतलब होना चाहिए कि एक हाथी की लंबी सूंड है, नहीं, यहाँ पर यह संपूर्ण जाति यानी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है कि सभी हाथियों के लंबी सूंड होती है, तो इसका मतलब संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, तो यहां पर हम द आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कहें द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार प्राणी है, अब कुत्ता एक वफादार प्राणी है तो इसका मतलब सभी कुत्ते वफादार प्राणी है, तो यहां पर भी हम द आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 14, बिफोर सम कंट्रीज नेम, कुछ देशों या फिर कुछ राज्यों के नाम से पहले भी हम द आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं, जैसे वही बात है जो हमने यहां पर देखी ऊपर कि किसी भी नाम से पहले अगर एडजेक्टिव आया है तो हम द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अमेरिका है, अमेरिका से पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ गया, यूनाइटेड आ गया, तो यहाँ पर हमने द आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, उससे पहले यानी किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम है, वो भी अपने आप में क्या एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी क्या लिख दिया, द आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। एक लास्ट रूल अपना है रूल नंबर 15, जिसको हम कह सकते हैं सरनेम से पहले, जो भी सरनेम है उन सरनेम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लिखे मोस्टली द गुप्ताज, द गुप्ताज, तो यहां पर ये जो गुप्ता वर्ड है ये एक गुप्ता को न बता करके संपूर्ण यानी पूरे गुप्ता परिवार को बता रहा है, जैसे हमने कहा द स्मिथ्स, द स्मिथ्स, तो यहां पर ये जो स्मिथ है ये एक स्मिथ को न बता करके संपूर्ण परिवार को बता रहा है, तो इसलिए ये भी यहां पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।